बोट रॉकर्स 255 मैक्स लॉन्च किए हैं, इसका मैक्स प्रो, अल्ट्रा मैक्स प्रो भी आ सकता है बाद में। अच्छे नेकबैंड है, काफी अच्छा इनिशिएटिव है ब्रांड की तरफ से। तो यहां पर बोट ब्रांड ने अपने फेवरेट नंबर 255 की सीरीज में एक नया नेकबैंड लॉन्च किया है, दैट इज बोट रॉकर्स 255 मैक्स नेकबैंड। इसका प्राइसिंग है 1200 रुपए, मैंने इनको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से परचेज किया हुआ है, सारे के सारे लिंक्स दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, एक बार आप करंट प्राइस चेक कर सकते हैं। और यहां पर लेकिन बोट ने बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव लिया है, यहां पर आपको मैग्नेटिक ऑन ऑफ का फीचर इंप्लीमेंट किया है, साथ ही में एप्लीकेशन का सपोर्ट भी दिया गया है। हम करने वाले हैं प्रॉपर तरीके से इसकी टेस्टिंग, भर भर के फीचर्स मिलने वाले हैं, एक्जैक्टली कैसा इसका आउटपुट है, बिल्ड कैसी है, सब हम टेस्ट करेंगे, ताकि एंड तक पहुंचते पहुंचते आप डिसाइड कर पाए कि कम बजट रखा गया मेरे हिसाब से 1200 के हिसाब से ये जस्टिफाई करता है कि नहीं। सो होप यू लाइक दिस वन, एंड इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द लाइक बटन, कमेंट, शेयर एज मच एज पॉसिबल, सो वी कैन मेक मोर गुड स्टफ फॉर यू ऑल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो करते हैं यहाँ पे शुरुआत अनबॉक्सिंग से। तो यहाँ पर आपको बोट रॉकर्स 255 मैक्स नेकबैंड का ऐसे बढ़िया सा बॉक्स मिलने वाला है, और बैक साइड में देख सकते हैं काफी बढ़िया बढ़िया फीचर्स मेंशनड है, हम सारी डिटेलिंग चेक करने वाले हैं आगे। फटाफट करते हैं इसको अनबॉक्स। तो अनबॉक्स करते ही आपको हमेशा की तरफ बहुत सारा पेपर वर्क मिलेगा, यूजर मैनुअल, वारंटी कार्ड, बोर्ड की तरफ से ब्राउचर, चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। एक यहाँ पे आपको आई एम अ बोर्ड हेड का स्टिकर मिल जाएगा, कहीं ना कहीं तो चिपका ही लीजिएगा इसको आप। एक छोटी सी आपको लेंथ की टाइप सी की चार्जिंग केबल और एक्स्ट्रा ईयर टिप्स मिल जाएंगे, कानों के साइज के हिसाब से यूटिलाइज कर पाएंगे। यहाँ पर हम मेन प्रोडक्ट की बात करेंगे, तो यहाँ पर आपको बढ़िया लुक एंड फील का आप बोल सकते हैं, कलर कॉम्बिनेशन सही दिया गया, यहाँ पे सिलिकॉन मटेरियल यूज किया गया, नेकबैंड का आराम से फ्लेक्सिबल तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं लगी मुझे। और यहाँ पर लेफ्ट साइड में ऐसा कोई यहाँ पे ब्रांडिंग भी मेंशन नहीं है, नहीं कोई बटन्स मेंशन है, ऐसा आपको टेक्सचर मटेरियल मिल जाएगा, प्लास्टिक क्वालिटी यहाँ पे आपको डिसेंट मिलने वाली है, काफी लाइटवेट नेकबैंड है। और राइट साइड पर देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं 3 मल्टीफंक्शन बटन्स, बोट ब्रांडिंग का बटन मिल जाएगा, प्लस माइनस का बटन मिल जाएगा, कैसे एक्जैक्टली वर्क करते हैं हम आगे डिस्कस करेंगे। और साइड में आपको प्रॉपर स्लॉट मिलने वाला है कवरिंग के साथ टाइप सी पोर्ट का टू चार्जर नेकबैंड। और नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको मिलने वाली है बढ़िया सी पतली सी आपको वायर्स मिल जाएंगी। एंड बर्ड्स की बात करेंगे तो बर्ड्स आपको काफी बढ़िया लुक एंड फील के मिलने वाले हैं, पूरी प्लास्टिक बिल्ड दी गई है, ऐसे कोई मेटेलिक फिनिश नहीं है, प्लास्टिक बिल्ड के आपको बर्ड्स मिल जाएंगे। और एक्स्ट्रा आपको फिन्स मिल जाएंगे ताकि आपके कानों में सिक्योरली ये पैक हो जाए। और यहाँ पे आपको प्रॉपर ऐसे मैग्नेट्स मिलने वाले हैं, आपको स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स मिल जाएंगे। और प्लस पॉइंट ये है कि इसमें आपको मैग्नेटिक ऑन ऑफ का फीचर दिया गया है, जो कि सही तरीके से वर्क करता है। अगर आप ऑलरेडी कनेक्शन एस्टैब्लिश कर चुके हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे आप सिंपली मैग्नेट्स को अलग करेंगे तो ऑटोमेटिकली लास्ट पे डिवाइस से कनेक्ट हो जाएगा, जैसे आप वापस मैग्नेट्स को जोड़ देंगे इंस्टेंटली डिस्कनेक्ट भी हो जाएगा। मैग्नेटिक ऑन ऑफ फीचर देखिए बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव लिया है बोट ने, हम काफी टाइम से वेट कर रहे थे, यहाँ पे आ चुका है कम प्राइस पॉइंट में। और प्रॉपरली इसको आप नेक पे प्लेस करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं काफी लाइटवेट नेक बैंड है, लेकिन जो वायर्स हैं यहाँ पे थोड़ी मुझे लंबी लगी कंपैरेटिवली, लेकिन कानों में प्रॉपर तरीके से पैक होते हैं, 70-80% आप बोल सकते हैं, बाहर की नॉइज भी कैंसिल कर रहे हैं नेक बैंड लगाते से ही। सिक्योर फिट तो मिल जाएगा, आप डेफिनेटली हैवी एक्टिविटीज करते हैं, रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, गिरते नहीं है कानों से, अच्छा आपको सिक्योर फिट मिल जाएगा नेक बैंड के थ्रू। और लाइटवेट नेक बैंड है, लॉन्ग आवर्स के लिए यूज कर सकते हैं इसको आप। जैसे कि मैंने बताया ऐसा आपको एप्लीकेशन का सपोर्ट भी दिया गया, ऐसा आपको बोट हेयरेबल्स एप्लीकेशन का सपोर्ट मिलने वाला है। जैसे आप यहाँ पे कनेक्शन एस्टैब्लिश करेंगे तो आप देख सकते हैं आपको ऑप्शन दिखा देगा बोट रॉकर्स 255 मैक्स का, यहाँ पर आपको बैटरी परसेंटेज दिखा देगा, यहाँ पे आपको स्मार्ट डायग्नोस्टिक्स का ऑप्शन दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके नेकबैंड में कुछ दिक्कत आती है पेयरिंग मोड को लेके या बटन्स को लेके, तो आप डायग्नोस कर सकते हैं ऑटोमेटिकली जो इश्यू है सॉल्व कर देगा। और जो बटन्स दिए गए इसको भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं कि सिंगल टैप और डबल टैप से जो मेन बटन दिया गया है उससे एक्जैक्टली क्या हो, सिंगल टैप से क्या हो, डबल टैप से क्या हो, तो यहाँ पे कस्टमाइजेशन का ऑप्शन दिया गया है। और सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी आते रहते हैं यहाँ पे टाइमली, इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। और हेल्प पर जाएंगे तो यहाँ पे आपको यूजर मैनुअल मिल जाएगा, अगर आपको यूजर मैनुअल खो गई आपको चेक करनी तो एप्लीकेशन पार्ट के थ्रू आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मिनिमम चीजें मिलने वाली है एप्लीकेशन पार्ट में, बहुत ज्यादा एनहांसमेंट नहीं है एप्लीकेशन को लेकर, हल्का फुल्का एनहांसमेंट दिया गया है, लेकिन जो इनिशिएटिव है एप्लीकेशन सपोर्ट लाने का एक अच्छा इनिशिएटिव है, हो सकता है आने वाले टाइम पे और भी इंप्लीमेंटेशन लाए एप्लीकेशन पार्ट को लेकर। और अगर हम बात करेंगे इसके बटन कंट्रोल्स की, वो कैसे एक्जैक्टली वर्क करते हैं, और बटन का हिसाब किताब ऐसा है जो मेन बटन है बोट वाला, उसको अगर आप सिंगल प्रेस करेंगे तो म्यूजिक प्ले होगा, फिर से सिंगल प्रेस करेंगे म्यूजिक पॉज होगा, प्लस को अगर आप यहाँ पे सिंगल प्रेस करते रहेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगी, माइनस को सिंगल प्रेस करते रहेंगे वॉल्यूम डिक्रीज होगी, प्लस को लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये नेक्स्ट ट्रैक पे ले जाएगा, माइनस को लॉन्ग प्रेस करेंगे ये प्रीवियस ट्रैक पे ले जाएगा। और जो बोट वाले बटन को अगर आप लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे 2 सेकंड्स के लिए, जो वॉइस असिस्टेंट फीचर है एक्टिवेट हो जाएगा, उस हिसाब से आप कमांड दे सकते हैं। और यहाँ पे किसी का कॉल आ रहा है एक्सेप्ट करने के लिए सिंगल प्रेस कर देंगे बोट वाले बटन को, कॉल एक्सेप्ट हो जाएगा। ऑनगोइंग कॉल को रिजेक्ट करने के लिए सिंगल प्रेस कर देंगे कॉल रिजेक्ट हो जाएगा। और किसी का कॉल आ रहा है आपको डायरेक्टली रिजेक्ट करना है एक्सेप्ट नहीं करना है, इसी बटन को अगर आप लॉन्ग प्रेस करेंगे 2 सेकंड्स के लिए कॉल
कॉल डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा। और यहां पर अगर आप इसी बटन को दो बार प्रेस करेंगे तो ये जो इसमें आप तीन इक्वलाइजर मोड्स दिए गए, इसमें आपको सिग्नेचर मोड, पॉप मोड और बैलेंस मोड मिल जाएगा। डबल प्रेस करेंगे तो मोड स्विच करता रहता है। डबल प्रेस करेंगे सिग्नेचर मोड, डबल प्रेस करेंगे पॉप मोड, डबल प्रेस करेंगे बैलेंस मोड में एंटर कर जाएगा। और इसी बटन को अगर आप ट्रिपल प्रेस करेंगे, तीन बार प्रेस करेंगे, बीस मोड में एंटर कर जाएगा गेमिंग मोड में। और लगे यहां पर इसका गेमिंग टेस्ट भी देख लेते हैं ताकि आपको ओवरव्यू मिल जाए इससे आपको लेटेंसी कितनी मिलने वाली है। यहाँ पर ब्रांड ने क्लेम किया आपको 60 मिलीसेकंड के आसपास लेटेंसी मिलने वाली है। मुझे काफी तक जस्टिफाइड लगी, मुझे ज्यादा लेटेंसी फील नहीं हो रही थी। लाउडनेस भी आपको बढ़िया मिलने वाली है। गेमिंग के टाइम पर लेफ्ट का सेपरेशन क्लियरली पता चल जाएगा एनिमीज कहाँ से आ रही है। इसको आप डेफिनेटली बढ़िया गेमिंग के लिए ऑप्शन में रख सकते हैं, उसको लेकर मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी। और मैं यहाँ तक पहुंचते पहुंचते अभी तक आपको फीचर्स पार्ट नहीं बताया है, अब एक नजर डालते हैं हम इसके फीचर्स पार्ट को लेकर। तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है लेटेस्ट ब्लूटूथ वर्जन 5.3, IPX5 वाटर एंड स्प्लैश रेजिस्टेंट फीचर, 10mm डायनेमिक ड्राइवर्स, SBC AAC कोडेक का सपोर्ट, मैग्नेटिक ऑन ऑफ का फीचर मिल जाएगा, डुअल डिवाइस पेयरिंग का सपोर्ट भी मिलने वाला है, ENX टेक्नोलॉजी मिल जाएगी फॉर बेटर कॉलिंग एक्सपीरियंस, डेडिकेटेड बीस्ट मोड मिल जाएगा गेमिंग एक्सपीरियंस के लिए, तीन इक्वलाइजर मोड्स मिलने वाले हैं, सिग्नेचर मोड, पॉप मोड और बैलेंस मोड, बोट हेरेबल्स एप्लीकेशन का सपोर्ट मिलने वाला है। और मैसिव यहां पे आपको 60 आवर्स तक का प्ले टाइम मिलेगा ऑन अ सिंगल चार्ज। अगर आप म्यूजिक को 50-60% वॉल्यूम पे सुनते हैं तो मैंने इसको अभी तक एक बार चार्ज किया है, वो भी पूरा चार्ज नहीं किया है। लगभग मैं 1.5-2 दिन से इसको यूज कर रहा हूं, अभी तक बैटरी डिस्चार्ज नहीं हुई है। फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट दिया गया है, 10 मिनट चार्ज करेंगे आपको नियरली 8-10 घंटे का प्ले टाइम मिल जाएगा विद दिस नेक बैंड। फीचर्स इसमें आपको बिल्कुल बढ़िया मिलने वाले हैं। और अगर हम बात करेंगे कॉलिंग एक्सपीरियंस की सबसे पहले, तो यार कॉलिंग मैंने दो तरीके से की हुई है। मैंने अपनी इस बार सिस्टर से बातें की हुई है आउटडोर कंडीशन में, मैं स्टेबल कंडीशन में था, ट्रैफिक में आसपास गाड़ियां जा रही थी, और फिर मैंने बाइक स्टार्ट करके बाइक चलाते हुए भी कॉलिंग की है, ताकि आपको दोनों तरीके की कॉलिंग पता चल जाए इस एक्सपीरियंस आपको कैसे मिलने वाला है अंदाजा लग जाएगा आपको। हेलो, हाँ पूजा, क्या कर रही है? कुछ नहीं, बस बैठे हैं, आप बताओ। बस यहाँ पे भी ऐसे ही काम वाम लगे पड़े हैं। अभी यार मेरे पास ना एक बोट रॉकर्स 255 मैक्स करके एक नेकबैंड लॉन्च हुआ है, अभी मैं ना ऑफिस के बाहर खड़ा हूँ ऑटो कंडीशन में रोड साइड पे। तो मेरी आवाज तुझे कैसे आ रही है? आवाज तो आपकी क्लियर है एकदम। क्लियर है बिल्कुल, डिस्टॉर्शन कुछ फील हो रहा है ऐसा? डिस्टॉर्शन फील नहीं हो रहा, बट एकदम मिनिमल बैकग्राउंड नॉइज आ रही है। अच्छा, बाकी गाड़ियाँ जा रही है उसकी एक्टिविटीज मतलब तुम्हें पता चल रही है? मिनिमल है, मतलब इतना ज्यादा नहीं है। अच्छा, तो मेरी आवाज पे कितना परसेंटेज फोकस बोल सकती है? आपकी आवाज पे अप्रोक्स है 85-90% फोकस। अच्छा, अब मैं ना अपनी बाइक स्टार्ट कर रहा हूँ, ये मैंने बाइक स्टार्ट कर दी है, अब मैं थोड़ा ड्राइव करते हुए तुमसे बात करूंगा, तो बताना आप कंपैरेटिवली कैसी आवाज आ रही है विंड नॉइज को लेकर, आप कैसी आ रही है? आवाज पे आपके फोकस है, बट बैकग्राउंड नॉइज लाइक हॉन्किंग और ये सब की आवाज सुनाई दे रही है, कि कोई पीछे से हॉर्न बजा रहा है, और थोड़ी अच्छा। गाड़ी के स्टार्ट करने की भी आवाज आई थी, बट आपकी आवाज भी क्लियर है। तो अभी विंड नॉइज आ रही है? विंड नॉइज नहीं है। अच्छा, तो अब मेरी आवाज पे कितना परसेंटेज फोकस बोल सकती है? आपके आवाज पे अभी भी अप्रोक्स 80-85% फोकस है, पहले ज्यादा ही था, अप्रोक्स 95% था, और अभी भी अप्रोक्स कुछ 85% तक बोल सकते हैं। कॉलिंग टेस्ट देख के आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा भाई कॉलिंग एक्सपीरियंस कैसा है इसके थ्रू। कॉलिंग आपको बढ़िया मिलने वाली है। मेरी सिस्टर बोल रही थी कि मेरी आवाज से बिल्कुल फोकस है, जब मैं स्टेबल कंडीशन में था बैकग्राउंड एक्टिविटीज काफी होता कि कैंसिल करता है, जब मैं बाइक ड्राइव भी कर रहा था उसको एक्टिविटीज पता चल रही थी बाहर की थोड़ी बहुत, लेकिन विंड नॉइज ज्यादा फील नहीं हो रही थी। इसमें आपको बढ़िया कॉलिंग मिलने वाली है, आपने एक आउटडोर कंडीशन की कॉलिंग का जो टेस्ट है सुन के अंदाजा लग गया होगा कैसे आपको कॉलिंग मिलने वाली है। कॉलिंग पार्ट को लेकर काफी इंप्रेस हुआ उसके थ्रू। अब बात करेंगे हम साउंड क्वालिटी और बेस क्वालिटी की। इसमें आपको तीन इक्वलाइजर मोड्स मिलने वाले हैं, सिग्नेचर मोड, पॉप मोड और बैलेंस मोड, 10mm डायनेमिक ड्राइवर्स मिल जाएंगे, लाउडनेस बढ़िया मिलने वाली है, जो सिग्नेचर मोड है जो बोट का सिग्नेचर मोड है, और आपको मतलब है बिल्कुल बेस पार्ट से प्रॉपर आपको सराउंडिंग इफेक्ट्स मिलने वाले हैं, पंचिनेस के साथ कभी कभी लगेगा बर्ड्स भी उछक रहे हैं, बढ़िया आपको बेस इफेक्ट्स मिलने वाले हैं। और बेस की बात ऐसी है ना, मेरे को तीनों मोड्स में ही बेस इफेक्ट्स लग रहे थे, पॉप मोड में भी बेस इफेक्ट्स आ रहे थे, बैलेंस मोड में भी आ रहे थे और सिग्नेचर मोड में भी आ रहे थे। लेकिन जो सिग्नेचर मोड है उसमें जो क्लैरिटी है वोकल्स को लेकर आपको सही मिलने वाली है। अगर आपको और एनहेंसमेंट चाहिए हल्की फुल्की वोकल्स को लेकर क्लैरिटी, तो पॉप मोड में सुन सकते हैं, ऐसा लगेगा थोड़ा खुला खुला एक्सपीरियंस आ रहा है, ट्रेवल्स थोड़े बहुत बढ़ जाएंगे, पॉप मोड में आपको हल्का फुल्का एनहेंसमेंट देखने को मिलेगा। बैलेंस मोड में मेरे को ऐसा लग रहा था कि थोड़ा वोकल से हल्के फुल्के सरप्रेस हो रहे हैं, थोड़े बहुत बोलते हैं ना कि मतलब बेस इफेक्ट्स भी आ रहे हैं, थोड़े वोकल सरप्रेस हो रहे हैं। सिग्नेचर मोड में मेरे को थोड़ा बहुत बोल सकते हैं कि ओवरऑल एक अच्छा एक्सपीरियंस मिला, लेकिन डेफिनेटली इसको आप बढ़िया एक्सपीरियंस के लिए, म्यूजिक के लिए, ट्रेवल्स के लिए और बेस के लिए ऑप्शन में रख सकते हैं। बेस लवर है इसको आप डेफिनेटली ग्रैब कर सकते हैं।
अब हम बात करेंगे रेटिंग्स की, साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी, कॉल क्वालिटी एंड गेमिंग एक्सपीरियंस को हम करेंगे रेटिंग्स आउट ऑफ 10। तो मैं साउंड क्वालिटी दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10, मैं बेस क्वालिटी दूंगा 9 आउट ऑफ 10, मैं कॉल क्वालिटी को भी दूंगा 9 आउट ऑफ 10 और मैं गेमिंग एक्सपीरियंस को दूंगा 9 आउट ऑफ 10। दिस आर रेटिंग्स अकॉर्डिंग टू माय पर्सनल एक्सपीरियंस एंड डिपेंडिंग ऑन द प्राइस ऑफ दिस नेकबैंड, जस्ट 1200 रुपए अगर आप इनको ऑफिशियल वेबसाइट से परचेज करते हैं। तो भाई 1200 के हिसाब से बोट ने बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव लिया है। पहले तो मैनेटिंग ऑन ऑफ फीचर का लाने का, एप्लीकेशन सपोर्ट दिया गया है, बहुत ज्यादा परफेक्ट तरीके से वर्क नहीं करती है, हो सकता है आने वाले टाइम में इंप्लीमेंटेशन और हो जाए, लेकिन एक इनिशिएटिव लिया है वो बढ़िया चीज है। बढ़िया आपको म्यूजिक एक्सपीरियंस मिल जाएगा, प्रॉपर सराउंडिंग बेस इफेक्ट्स, बढ़िया कॉलिंग मिलने वाली है, अच्छी आपको गेमिंग मिल जाएगी। ओवरऑल ये एक बढ़िया पैकेज है 1200 के आसपास अगर कोई नेकबैंड चीज को आप डेफिनेटली आग बंद करके ऑप्शन में रख सकते हैं। इससे मैं काफी इंप्रेस हुआ हूं। मैंने आपको सब बता दिया इसके बारे में, अब आप डिसीजन मैटर करता है। सारे के सारे पॉसिबल लिंक्स दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, एक बार विजिट करके इसको ग्रैब कर सकते हैं। आपको कुछ भी दिक्कत है, कुछ भी पूछना हो, कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प आउट विद दैट। सो दिस वाज़ ऑल अबाउट द अनबॉक्सिंग, रिव्यूज, रेटिंग्स, कॉलिंग टेस्ट एंड गेमिंग टेस्ट ऑफ द रिसेंटली लॉन्च बोट रॉकर्स 255 मैक्स नेक बैंड। होप यू लाइक दिस वन, एंड एज आई टोल्ड, इफ यू न्यू टू आवर चैनल, काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द लाइक बटन, कमेंट, शेयर एज मच एज पॉसिबल, सो वी कैन मेक मोर गुड स्टफ फॉर यू ऑल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Thank you.